हाय स्टूडेंट्स, तो आप सब कैसे हैं? आप सबका मेरे YouTube चैनल दिवस हॉस्टल में स्वागत है। तो स्टूडेंट्स, यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जो भी न्यू वीडियो का अपलोड होगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पाइथागोरस थ्योरम के कन्वर्स का। यस, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इससे इसके पहले वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस किए थे पाइथागोरस थ्योरम को। यदि आप उसको नहीं देखे हैं तो आप उसको देख सकते हैं। इसका डिस्क्रिप्शन जो है ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि ये थ्योरम कह क्या रहा है। इन अ ट्राइंगल, इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द अदर टू साइड्स, देन द एंगल अपोजिट टू द साइड इज राइट एंगल। कोई ट्राइंगल दिया हुआ है और दिया हुआ है कि दो साइड के स्क्वायर का सम जो है वो तीसरे साइड के स्क्वायर के इक्वल है, तो जो तीसरे साइड का जो अपोजिट एंगल होगा वो एक राइट एंगल ही होगा। आइए देखते हैं हम लोग डायग्राम कैसे बना सकते हैं। ये एक ट्राइंगल है तो हमें बनाना है इसको कि लगे कि राइट एंगल ट्राइंगल है, ए बी सी। बट यहां पे मेंशन नहीं करना है कि ये 90 डिग्री है। क्या गिवन है? अ ट्राइंगल एबीसी सच दैट स्क्वायर ऑफ ए सी इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ ए बी प्लस स्क्वायर ऑफ बी सी, ये पहले से दिया हुआ है। तो हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है कि एंगल ए बी सी जो है वो 90 डिग्री होगा। तो इसमें हम लोगों को कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, ये थ्योरम जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। ड्रॉ अ ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट ए बी इज इक्वल टू, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ड्रॉ कर लेते हैं ट्राइंगल को। यस, ये सेम हम लोग इतना ही बड़ा ट्राइंगल को ड्रॉ करेंगे और इसका नेम रख दिए डी ई एफ। यहां पे होगा 90 डिग्री। तो इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ए बी जो है वो डी के इक्वल हो जाएगा और बी सी जो है वो ई एफ के इक्वल हो जाएगा एंड एंगल ई जो है वो 90 डिग्री होगा। देखिए कंस्ट्रक्शन को फिर से समझते हैं। ड्रॉ ट्राइंगल डी ई एफ सच दैट, इस तरह से ड्रॉ करेंगे कि ये जो ए बी है उसका हाइट डी के इक्वल होगा, ये जो बेस बी सी है वो ई एफ के इक्वल होगा और ये जो है वो एक राइट एंगल होगा। अब बात ये है कि जब भी हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे तो कंस्ट्रक्शन डॉटेड लाइन से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डॉटेड लाइन से। अब ठीक है, तो आते हैं हम लोग प्रूफ पे। तो सबसे पहले ये जो हम लोगों के पास क्या दिया हुआ है, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। देखिए, सिंस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, लिख लेते हैं यहां पे दिया हुआ है। अब बात ये है कि क्या ए बी की जगह पे डी लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या आप बी सी की जगह पे ई एफ लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। सिंस ए बी इज इक्वल टू डी ई एंड बी सी इज इक्वल टू ई एफ बाय कंस्ट्रक्शन, दिस इंप्लाइज
ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ये डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर यहां पे हो जाएगा डी एफ स्क्वायर। देखिए इन ट्रायंगल डी एफ एंगल ई क्या है 90 डिग्री, देयरफॉर डी स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर इज इक्वल टू डी एफ स्क्वायर, कहां से आया बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो हम लोग इसको शॉर्ट में पीटी लिख दिए बाय पाइथागोरस थ्योरम। अब क्या कर सकते हम लोग, इसको लिख सकते हम लोग ए सी इज इक्वल टू डी एफ, और चलिए इसका नाम रख दिया हम लोग इक्वेशन वन। तो ये ए सी इज इक्वल टू ये डी एफ आ गया। अब ये दो ट्राइंगल जो देख रहे हैं ये दोनों ट्राइंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे, तो क्या लिखते हैं हम लोग, कंसीडर ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ, तो ए बी इज इक्वल टू डी ई, ए बी इज इक्वल टू डी ई बाय कंस्ट्रक्शन, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, क्या रीजन होगा ये भी बाय कंस्ट्रक्शन, एंड ए सी इज इक्वल टू डी एफ, ए सी इज इक्वल टू डी एफ फ्रॉम इक्वेशन वन। तो अब क्या सोच रहे हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी इज कंग्रुएंट टू ट्राइंगल डी ई एफ बाई कौन सा कंग्रुएंसी यूज करेंगे हम लोग, साइड साइड साइड, यस बाई साइड 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 कंग्रुएंसी। इसका मतलब ये हुआ कि इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी क्या होंगे इक्वल होंगे, दिस इंप्लाइज एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल डी ई एफ, बट एंगल डी बट एंगल ई क्या है 90 डिग्री, तो क्या लिखेंगे हम लोग एंगल ए बी सी इज इक्वल टू ये 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा इसलिए कि एंगल डी एफ जो है वो 90 डिग्री है, तो यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा, साथ ही साथ यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।